Hello, dear friends. First of all, let me welcome to you to your own channel of dear sir. And first of all, accept the greetings from me. Today's topic is about the Lucknow Pact and the Gadar Movement. discuss And I assure you that the history portion of the syllabus we are going to complete as soon as possible. It's hardly going to take a week. <coughs> and number next if you are preparing for some sort of competitive examinations first of all my request to you is that please do focus on your syllabus very clearly syllabus please focus clearly एंड डू रिमेंबर माई वन सजेशन डू नॉट ऑलवेज फॉलो द मेजोरिटी हमेशा मेजोरिटी को फॉलो नहीं करूँ ऑलवेज फॉलो यूर सेल्फ एंड फॉलो द बेस्ट हमेशा अपने आप को और बेस्ट को फॉलो करूँ सो स्टार्ट करने से पहले सारे दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर हमारी यूट्यूब चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड डू प्रेस द लाइक बटन थैंक यू तो स्टार्ट करेंगे हम आज लखनऊ क्ट हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लखनऊ सेशन जो है 1916 का सेशन है जनरली एग्जामिनेशन के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं बीच बीच में डिस्कस कर लूँगा इस टॉपिक वाइल डिस्कसिंग द टॉपिक मैं आपको ये भी समझा दूंगा बीच बीच में कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इन द एग्जामिनेशन देखो लखनऊ पैक्ट जो है लखनऊ सेशन जो है वो नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटीन में हुआ था पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड प्रिजाइडेड बाई मीन्स प्रेजिडेंट कौन थे कांग्रेस के प्रेजिडेंट कौन थे कांग्रेस थे एसी सी मजुंदर ये आपको याद रखना है ये नाम भी एसी सी मजुंदर उस टाइम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के वाज स्पेशल इन मनी रेस्पेक्ट्स मीन्स जो लाहौल सॉरी लखनऊ सेशन हुआ था वो स्पेशल था इसकी स्पेशलिटी क्या थी वो आगे आगे सीख लोगे कि ये स्पेशल क्यों था बट स्पेशल था ये इन द ड्यू टू मनी रीजनज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहला रीज़न देख ले कि पहला रीजन क्या था ये इतना स्पेशल क्यों था क्योंकि इसने फिर से जनरली सूरत स्प्लिट में कांग्रेस ब्रेक हुआ था इंटू टू ग्रुप नोन एज मॉडरेट वो वीडियो आपने अभी तक अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सूरत सुप्लिट का सूरत सुप्लिट जो हुई थी उसमें कांग्रेस की जो पार्टी हुई थी वो ब्रेक हुई थी इंटू टू ग्रुप्स मॉडरेट्स एंड एक्स्ट्रमिस्ट मीनस नरम दल और गर्म दल एंड लखनऊ का जो सेशन हुआ था लखनऊ सेशन में क्योंकि जनरली फिर 1907 से अप टू नाइनटीन हंड्रेड जो था कांग्रेस जो था वो अपने वीक फेज में था क्योंकि जनरली जो यंगस्टर्स का सपोर्ट था वो एक्स्ट्रमिस्ट के साथ गया एंड एक्सट्रोमिस्ट को जनरली सप्रेस किया गया बाई द डिफरेंट एक्सप्लाइटेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एंड उसके बाद कांग्रेस जो था वो वीक होता चला गया एंड अब नाइन 1916 में क्या हुआ कांग्रेस में मीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट फिर से एक हुए नंबर नंबर फर्स्ट थिंग थिंग एंड इसीलिए द कांग्रेस प्रेजिडेंट इन हिज एड्रेस सेट दैट कांग्रेस प्रेजिडेंट एड्रेस किया था उस टाइम उसने क्या बोला था इफ द कांग्रेस वॉज एट सूरत मीनस अगर कांग्रेस को दफन किया गया था सूरत में इट इज रिबॉर्न इन लखनऊ इन द गार्डन ऑफ वाजिद अली शाह तो मीन्स अगर कांग्रेस को दफन किया गया था सूरत में बट लखनऊ में इसने फिर से जन्म लिया किसके बाग में वाजिद अली शाह के बाग में ये इधर कहने क्या कोशिश कर रहा है उसके बाद सेकंडली वाइटिस सेशन वाज इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस किया सेकंड पॉइंट ये है क्योंकि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार उन्होंने एक पैक्ट साइन किया जिसको हम लखनऊ पैक्ट बोलते हैं मींस कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग केम अंडर ए सिंगल रूफ वो एक छत के नीचे आके उन्होंने कुछ शर्तें एक दूसरे की मान के समझौता कर लिया जिस समझौते को तो नाम पड़ा लखनऊ पैक्ट का आपको याद रखना है ठीक अब समझौता क्या था जनरली जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा मुस्लिम लीग की डिमांड थी सपरेट इलेक्टोरेट की ठीक है और स्पेशल मेजॉरिटी की ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी अब कांग्रेस की डिमांड थी सौरा मीन्स सेल्फ रूल तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को बोला हम आपकी गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करते हैं और हमारी गोल्स को अचीव करने में आप हमारी मदद करो ठीक है तो उसके बाद पहले हमें सीखना पड़ेगा बैकग्राउंड लखनऊ पैक्ट मीन्स लखनऊ पैक्ट का बैकग्राउंड था क्या देखो जनरली जब मुस्लिम लीग बनी 1906 में ठीक तो उस टाइम मुस्लिम लीग जो थी इट वाज हैविंग अ प्रो ब्रिटिश सेंटीमेंट्स इट वॉज हैविंग प्रो ब्रिटिश सेंटिमेंट्स और प्रो ब्रिटिश एटीच्यूड मीन्स की मुस्लिम लीग जो थी उसकी फॉर्मेशन के बाद मुस्लिम लीग जो जनरली थी वो फेथफुल थी टूवर्ड्स द ब्रिटिश मीन्स वफादार थी ब्रिटिश के लिए एंड उसके बाद जनरली आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था नाइनटीन हंड्रेड फोर्टीन से नाइनटीन हंड्रेड एटीन तक रहा तो वर्ल्ड वार में मदद करने के लिए तो अंग्रेज़ों का जो उस टाइम ब्रिटिश का जो वॉइस राय था उसका नाम था लॉर्ड जेमसफर्ड उसने क्या काम किया उसने इंडियंस को बोला कि आप हमारी जंग में मदद कीजिएगा और बदले में हम आपके लिए कुछ रिफॉर्म्स लाते हैं बदले में आपके लिए कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे बट आप हमारी मदद करो जंग में तो जो मुस्लिम लीग को लीड कर रहा था मीन्स मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम को लीग को लीड कर रहा था उसने सोचा कि ये सही वक्त है अब अपनी इंडिया के लिए अपने देश के लिए कंस्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने का और यह सही वक्त है हिंदू एंड मुस्लिम को एक होने का तो पहला कंसेप्ट किसका है मोहम्मद अली जिन्ना का जनरली उस टाइम क्या हुआ था जनरली होम रूल लीग मूवमेंट जो था वो ऑलरेडी स्टार्ट किया था एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक ने तो उनको भी ये लगा मीन्स दे टू इनिशिएटेड कि मुस्लिम्स एंड जो हिंदूज है इनको एक होके ब्रिटिश से लड़ना चाहिए ठीक जिन्ना वॉज देन मेंबर ऑफ बोथ द पार्टीज और खासकर अभी जिना को ज़्यादातर कंट्रीब्यूट क्यों किया इस लखनऊ सेशन के लिए क्योंकि जिना जो था उस टाइम बोथ पार्टीज़ का मेंबर था ऑफ कोर्स यू माइट बी नोइंग दैट मोहम्मद अली जिना जो थे उन्होंने कांग्रेस को 1906 में ही ज्वाइन किया था अप टू नाइनटीन हंड्रेड वो कांग्रेस के मेंबर रह चुके थे एंड अभी प्रेजेंटली मीन्स नाइनटीन में वो दोनों पार्टीज़ के मेंबर्स थे मीन्स ही वॉज बोथ द मेंबर ऑफ द कांग्रेस एल एज वेल एज द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग तो पहली बात क्या हुई दिसंबर 1915 हंड्रेड में एक्स्ट्रमिस्टस लेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एक्स्ट्रमिस्ट को कौन लीड कर रहा था बाल गंगाधर तिलक लीड कर रहे थे एंड मॉडरेट्स को कौन लीड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले लीड कर रहे थे मेट द लीडर्स ऑफ द लीग एट बम्बई अब ये जो एक्सट्रमिस्ट्स और मॉडरेट्स के लीडर्स जो थे ये मिले किन को मुस्लिम लीग के लीडर्स को मिले पे पहली बार मुंबई में मिले थे दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट द लीडर्स ऑफ बोथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग वायर मीटिंग फॉर एट ज्वाइंट सेशन पहली बार ऐसा हुआ था कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेम्बर जो थे वो एक ज्वाइंट सेशन कर रहे थे ठीक एंड एट मीटिंग में लीडर्स ने कंसल्टेड कर मतलब एक दूसरे को कंसल्ट कर एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे की रजामंदी से एक दूसरे की ओपिनियन लेके कुछ ड्राफ्ट्स, कुछ डिमांड्स की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख सके कुछ मांगे उन्होंने रखी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख सकें उसके बाद क्या हुआ 1916 में पहली बार 19 इलेक्टेड थे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के उन्होंने एड्रेस किया एक मेमोरेंडम टू द दाइसराय सीकिंग रिफॉर्म्स मींस उन्होंने एक मेमोरेंडम पेश किया वाइस राय के सामने जिसमें कुछ रिफॉर्म्स का ज़िक्र था ठीक फिर नवंबर 1916 में फिर से क्या हुआ लीडर्स फ्रॉम बोथ द पार्टीज मींस दोनों पार्टीज के लीडर्स फिर से एक बार मिले कलकत्ता में एंड डिस्कसड द्ड एमेंडेड द सजेशन और उन्होंने फिर से उन सजेशन्स के बारे में डिस्कस किया एंड फिर से थोड़ी सी अमेंडमेंट्स लाई मीनज उन मीनस जो उन्होंने पेश की थी रिफॉर्मस कुछ मीनज डिमांड्स uh, पेश की थी उनमें थोड़ी अमेंडमेंट्स थोड़ी चेंजेस लाई एंड फाइनली जो सेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ लखनऊ में हुआ दिसंबर 1916 में जिसको हम फेमस लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं जिसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ समझौते तय कर दिए तो उसी सेशन को हम बोलते हैं द फेमस लखनऊ पैक्ट सेशन दैट वाज हेल्ड इन लखनऊ इन दिसंबर 1916 ठीक एंड अब यूनाइट करने के लिए मीन्स मुस्लिम और हिंदूज़ को यूनाइट करने के लिए उनको एक छत के अंडर लाने के लिए सराव जीन नायडू ने गिव द जिन्ना द टाइटल द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी मीन्स कि मुसलमानों और हिंदूज़ को फिर से यूनाइट करने के लिए उनको एक छत के अंडर लाने के लिए सराव नायडू ने जिन्ना को टाइटल दिया मीन्स मोहम्मद अली जिन्ना को क्या टाइटल दिया एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनाइटी उसके बाद रिफॉर्मस सजेस्टेड इन द लखनऊ पैक्ट कौन कौन से रिफॉर्मस सजेस्ट किए गए लखनऊ पैक्ट में पहले सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया मीन्स इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए दूसरा इंडियन काउंसिल का एबॉलिश होना होना चाहिए तीसरा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेपरेट होनी चाहिए नंबर नेक्स्ट पॉइंट सैलरी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की आती है वो इंडियन ट्रेजरी से ना पे करके ब्रिटिश ट्रेजरी से पे की जाए ठीक मीनस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सैलरी मिलती है वो इंडियन ट्रेजरी से नहीं जानी चाहिए बल्कि वो ब्रिटिश ट्रेजरी से जाना चाहिए नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो था वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन टू बी गिवन टू मुस्लिम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट मीनस सेंट्रल गवर्नमेंट में वन थर्ड ऑफ द सीट जो है वो मुस्लिम के लिए रिजर्व होनी चाहिए ठीक उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट जो था हाफ द मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटचर काउंसिल शुड बी इंडियंस मींस कि हाफ मेंबर जो इंपीरियल लेजिस्लेटचर काउंसिल के होने चाहिए वो क्या होने चाहिए इंडियंस होने चाहिए उसके बाद तमाम इलेक्टेड मेंबर्स जो है मींस ऑल इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए डायरेक्ट इलेक्ट होनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज क्योंकि जनरली उस टाइम क्या काम होता था उस टाइम वोट देने का हक कुछ खास मखसूस लोगों को होता था इसीलिए ये मांग रखी गई कि जनरली जो एज बैरियर होगा या कोई भी मतलब जो एडल्ट फ्रेंचाइज होगा उसके बेसिस पे वोटिंग होगी वही वोट कर पाए ये नहीं होना चाहिए कि वो वेल्दी है उसके पास दौलत है तो वो वोट करे बाकी वोट ना करें यह पहली मांग रखी गई उसके बाद फोर बट फिफ्थ फोर बाई फाइव ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द प्रोवेंशियल लेजिस्लेचर टू बी इलेक्टेड एंड वन बाई फिफ्थ बी नॉमिनेटेड मीन्स सौ में से अस्सी परसेंट जो होंगे वो क्या होने चाहिए वो इलेक्टेड होने चाहिए एंड बीस परसेंट क्या होने चाहिए वो नॉमिनेट होने चाहिए उसी का मतलब है फोर बाई फाइव मीन्स पांच में से चार हिस्से मीनस सौ में से अस्सी परसेंट जो है वो इलेक्ट होने चाहिए एंड बीस परसेंट जो है वो नॉमिनेट होने चाहिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा गया मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी टू इलेक्ट देर प्रेजिडेंट दमसेल्व अब जो काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेबर्स होंगे वो खुद से ही अपने आप में प्रेजिडेंट चुनेंगे मीन्स अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही खुद ही प्रेजिडेंट चुनेंगे ठीक है ये कुछ मांगे थी अब रिजल्ट क्या हुआ लखनऊ पैक्ट का देखो रिजल्ट क्या हुआ जनरली पहले पहले ये सोचा गया शुरुआत में कि इस सेशन की वजह से लखनऊ सेशन की वजह से मुस्लिम और हिंदूज जो है वो फिर से यूनाइट होके आ गए एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिश टू ब्रेक डाउन नाउ मीन ब्रिटिश के लिए अब मुश्किल होगा इनको तोड़ना बट शायद ये आंखों का धोखा था और ये बहुत कम समय तक रहा क्योंकि जनरली मुस्लिम और हिंदू जो थे वो यूनाइट हुए ही नहीं मुस्लिम और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो कभी यूनाइट हुई ही नहीं थी क्योंकि उसका जो इंप्रेशन था वो जो थी वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थी उनकी उसकी उम्र बहुत कम थी कुछ ही महीने रही ठीक नंबर नेक्स्ट पॉइंट द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ऑन अ सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रेट फॉर्मली एस्टेब्लिश कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया अभी क्या हुआ देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी मांग मांग पूरी की ही कर ही दी ना मुस्लिम लीग की क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इधर से मुस्लिम लीग को बोला कि आप हमारी मांगे मनवाने में हमारी मदद करो हम आपकी मांगे पूरी करवा देंगे जनरली कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वीकेस्ट फेज में था उसको मुस्लिम लीग की जरूरत थी और मुस्लिम लीग को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहुत ज़्यादा जरूरत थी सपरेट इलेक्टोरेट मांगने की क्योंकि तब तक कंसेप्ट सपरेट कंट्री का नहीं था मुस्लिम लीग के दिमाग में तो क्या हुआ अगर कांग्रेस ने उनकी शर्तें मान ली अगर कांग्रेस ने यह मान लिया कि ठीक है मुस्लिम्स के लिए सपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए मीनस उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन होनी चाहिए तो इट इट सेल्फ मीन्स दैट इस इसका मतलब यही है कि कांग्रेस को लगा जनरली कि मुस्लिम डोमिनेट मुस्लिम जो एरिया है उधर मुस्लिम ही वोट करें इट मीन्स दैट उधर तो हिंदूज़ भी रहते थे तो फिर वो क्या होते वो तो वोट कर ही नहीं पाते इट मीन्स दैट इसी से कॉमनल पॉलिटिक्स का क्या हुआ आगाज़ हुआ क्योंकि जनरली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसमें इसकी मदद की ये तो यार वही बात हो गई ना कि दस लोगों में फॉर एग्ज़ाम्पल सात लोग मुस्लिम है अब सात लोग वोट करेंगे तीन लोग हिंदू है वो तो वोट करेंगे नहीं। गलत बात बिल्कुल है और जब कांग्रेस ने इसमें इसका साथ दिया तो इट मीन कांग्रेस ने ये मान लिया कि इंडिया जो है it comprises of two communities. ये दो कम्युनिटीज में बिलोंग होती है मीन दो कम्युनिटीज इसमें है एंड दोनों कम्युनिटीज की अलग अलग इंटरेस्ट एंड अलग अलग सोच है क्योंकि अगर जनरली वो ये ना मानते तो हम सोचते कि नहीं यार वो ये बिल्कुल नहीं सोच रहे कि दो कम्युनिटीज़ है बट जनरली कांग्रेस ने इनको सपोर्ट देके इस बात का डिक्लेयर किया कि जनरली देर आर टू कम्युनिटीज़ विद डिफरेंट इंटरेस्ट एंड डिफरेंट आइडियोलॉजीज ठीक उसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे बात आती है द फेमस मूवमेंट दैट इज़ नोन एज गदर मूवमेंट ठीक है तो गदर मूवमेंट के बारे में पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल गदर पार्टी थी क्या तो गदर पार्टी थी द गदर पार्टी वॉज जनरली एक्स सोलिजर्स इसमें कौन से लोग थे एक्स सोलिजर्स एंड पीजेंट साफ पंजाब इसमें थे ठीक है जो जनरली हम गदर मूवमेंट कहते हैं ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाक्य है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है ठीक गदर पार्टी जनरली बिलोंग करती थी गदर पार्टी में जनरली लोग थे एक्स सोलजर्स थे उसमें एंड पीजेंट साफ पंजाब थे जनरली हुआ क्या पहले ये समझने की कोशिश कोशिश करो पहले ये समझने की कोशिश करते कि गदर पार्टी थी किन की तो गदर पार्टी जैसा कि आलिम ने बोला कि गदर पार्टी बिलोंग टू तो द एक्सोलर्स एंड पीजेंट ऑफ पंजाब दे वायर रेवोल्यूशनरी पार्टी एंड इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी पार्टी ठीक मीन्स ये लोग माइग्रेट करके मीनस माइग्रेट कर चुके थे फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज टू यू एस एंड कनाडा मीन्स अब ये लोग जो थे पीजेंट्स थे एंड एक्सोल्जर्स जो थे ये कहाँ गए थे कनाडा गए थे एंड यूएस गए थे क्या हासिल करने के लिए जॉब हासिल करने के लिए बट आइडियोलॉजी क्या थी इनकी आइडियोलॉजी इनकी थी टू प्रोक्योर द आर्म्स पहले हथियारों को जमा कर लो दूसरा अंग्रेजों को मारो एंड तीसरा उनके साथ बगावत करो ये इनकी आइडियोलॉजी थी अब मसला क्या हुआ इंडिया में ये गदर मूवमेंट स्टार्ट कैसे हो गया मीन गदर आइडियोलॉजी इधर आई कहां से ठीक है आपने सुना होगा अबाउट द फेमस शिप एक फेमस जहाज के बारे में में जिसको हम बोलते हैं कामागाटा मारू ठीक है कि नहीं ये कामागाटा मारू एक फेमस जहाज था ठीक तो मतलब क्या है जहाज़ जो था वो तीन सौ सत्तर मीन थ्री हंड्रेड सेवेंटी को कहाँ कनेडा लेके जा रहा था एंड कनेडा पहुँचने से पहले ही उसको कनाडा अथॉरिटीज़ ने रोक लिया उनको कनेडा में जाने की इजाज़त नहीं दी गई जहाज को रोका गया एंड कनेडा अथॉरिटीज़ ने उसको इंडिया वापस भेज दिया गया जनरली उसमें जो लोग थे उनको क्या लगा कि ये ब्रिटिश की साजिश है उन्होंने कनाडा अथॉरिटी से बात करके हमको वापस मतलब लाया इंडिया तो इंडिया में जब लोग वापस आए तो कलकत्ता पहुंचे एंड कलकत्ता में क्या हुआ वो डिनाई करने लगे वो नहीं मानने लगे कि हमको पंजाब नहीं जाना है जनरली पंजाब से बिलोंग करते थे तो उन्होंने नहीं माना उन्होंने कहा कि हमको पंजाब नहीं जाना है जब कनाडा से वापस भेज दिए गए तो कहां पहुंचे कलकत्ता अब कलकत्ता से उनको कहां जाना था पंजाब बट उन्होंने डिनाई कर दिया डिनाइड उन्होंने कहा कि यार हमको पंजाब बिल्कुल भी नहीं जाना तो है जिसकी वजह से झगड़ा हुआ क्लैशेस हुए तो एंड इट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ ट्वेंटी टू पीपल इससे बाईस लोगों की मौत हो गई ठीक अब इसकी वजह से दे स्टार्टेड टू रिवोल्ट उन्होंने बगावत करना स्टार्ट कर दिया एंड इनवाइटेड दियर अदर लीडर्स आल्सो और उन्होंने अपने बाकी लीडर्स को भी बाहर से बुला दिया जो ऑलरेडी अदर कंट्रीज़ में थे उनको कहा कि यार आ जाओ अब हमारे मूवमेंट को ज्वाइन कर लो एंड दे स्टार्टेड टू रिवोल्ट बट रिवोल्ट करने के लिए क्या चाहिए था रिवोल्ट करने के लिए आर्मस चाहिए हथियार तो चाहिए ठीक अब हथियार आते कहाँ से हथियार तो पैसों से आते so they took a step known as पोल्टिकल डकेती उन्होंने एक स्टेप लिया जिसको हम पोलिटिकल डकेती कहते हैं मीन्स जो भी गरीब सॉरी जो अमीर थे जो पैसे वाले थे जो मोनी लैंडर्स थे पैसे उधार देने वाले थे उनको लूट डालो उनको लूट डालो एंड जनरली ये क्वेश्चन भी इधर पूछा जाता है इसकी तरह ध्यान देना जनरली टू क्रश डियर रिवोल्ट अब गदर मूवमेंट तो स्टार्ट हुआ था बट टू क्रश डियर मूवमेंट एंड रिवोल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था डिफेंस दैट वॉज नोन दैट डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टीन ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में जनरली क्या पूछा जाता है टू क्रश द गदर मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट पास किया था तो आपको याद रखना है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टीन अब समटाइम्स ये भी पूछा जाता है कि एक्ट था क्या तो जनरली आपको याद क्या रखना है इस एक्ट में हुआ क्या था इस एक्ट में दो मेन चीज़ें बयान की गई थी मींस अंडर दिस एक्ट देयर वाज लॉरी स्केल डिटेंशन विदाउट ट्रेल्स पहली बात इस एक्ट के तहत सारे बहुत सारे लोगों को डिटेन कर दिया गया मींस जेल में डाल दिया गया विदाउट ट्रेल्स मींस कोर्ट की परमिशन के बगैर जनरली जब हम किसी को जेल में डालते हैं तो पहले तो कोर्ट से फिर उसके बाद मुकदमा लड़ना पड़ता है उसको अपनी राय रखने का हक होता है बट ये इसमें खारिज कर दी गई इनको डायरेक्टली अरेस्ट किया गया कोर्ट वोट में केस बिल्कुल भी नहीं डायरेक्टली अरेस्ट करके जेल में डाल दो ठीक है एंड नंबर नेक्स्ट थिंग कोर्ट मार्शल किए गए बहुत सारे मतलब कोर्ट मार्शल किए गए ठीक है दिस दिस वाज वाज व्हाट द इंपैक्ट ऑफ द गदर मूवमेंट अब ये था रिजल्ट दी था रेस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस द गदर मूवमेंट ठीक है अभी इधर आपको कुछ फेमस लीडर्स के याद नाम याद रखने हैं पहले अगर हम आगे चले तो ओरिजिनल नेम ऑफ गदर पार्टी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओरिजिनल नेम ऑफ गदर पार्टी क्या था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन ओरिजिनल नाम था ठीक है फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन थे फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे गदर पार्टी के सोहन सिंह फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे एंड लाला हरदयाल वॉज द को फाउंडर ऑफ द पार्टी ठीक है हेडक्वाटर्स कहाँ है हेडक्वाटर्स है सैन फ्र फ्रेंडस्को में ठीक है कि नहीं है सैन फ्रांसको में इसके हेड क्वार्टर्स है ठीक इतना समझ आ गया होगा तो आगे अगर हम चले 1930 में 1900 सॉरी 1913 में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन बन के सामने आ गई फाउंडेड बाय लाला हरदियाल विद सोहन सिंह एज इट प्रेजिडेंट ठीक है विच वाज कॉल्ड गदर पार्टी मेंबर्स ऑफ द पार्टी वायर जो मैंने ऑलरेडी बोला इमिग्रेंट सिक्स ऑफ यूएस एंड कनाडा द फर्स्ट इशू ऑफ द गर वॉज पब्लिश पब्लिश फॉर्म सैन फ्रांसिस्को ऑन नवम्बर फर्स्ट नाइनटीन फर्स्ट नवंबर नाइनटीन को गदर पार्टी का पहला पब्लिश किया गया मीन्स गदर पार्टी का पहला इशू पब्लिश किया गया नाइनटीन नाइनटीन हंड्रेड थर्टीन नवंबर फर्स्ट को एंड लेटर ये पब्लिश किया गया उर्दू में भी पंजाबी में भी एंड हिंदी में भी एंड बाकी लैंग्वेजेस मैं भी ठीक है तो इतना आपको याद रखना है और उसके बाद और एक चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि फ्यू अदर इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द गदर मोमेंट वायर लाला हरदियाल थे इसमें लाला हरदियाल का नाम भी याद रखना है क्योंकि समटाइम्स आता है एग्जाम में कि कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे या करतार सिंह बाई थे ठीक है या बाई परमानंद भी इसके लीडर्स थे थैंक थे? यू ऑल डू रिमेंबर इन यूर Prayers, do remember in your wishes, do remember in your blessings. Again, I am saying that syllabus nikal We are going to complete it as soon as possible. There is nothing to worry about. But please remember my one advice: don't deviate yourself. Read the syllabus properly and go after it later on. Thank you. Have a nice day ahead.